स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिवीजन आवाज बंद सबसे पहले टोटल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पांच टाइप के वेरिएंस होते हैं कितने बट हमारे सिलेबस में अभी दो ही टाइप के ग्रुप वन में दो टाइप के ग्रुप टू में बचे हुए तीन टाइप के हालांकि ग्रुप टू में पांचों है ये दो भी है प्लस और तीन एक्स्ट्रा है करेक्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रिसाइजली किस बात के लिए यूज होता है कि आपके वर्कर्स एफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इसके लिए क्या यूज होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या साल के शुरू में जो डिसाइड होता है उसको क्या बोलते हैं अब स्टैंडर्ड नहीं बोलोगे पूरा पढ़ क्या हो गया क्या बोलते हो बजट क्या बोलते हैं हम लोग साल के एंड में क्या जो रियल में हमको पता चलता है कि ये खर्चे हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं और क्या बजटेड और एक्चुअल के डेटा की मदद से हम एक कैलकुलेशन करते हैं जिसको क्या नाम देते हैं वो कैसे करते हैं उसको वापस बहुत डिटेल में रिवाइज करवाऊंगा मैं केस वन केस टू केस थ्री बना के प्रॉपरली ठीक है नॉन वेरी इंपॉर्टेंट सबसे मेन नंबर ही कौन सा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगा आगे है ना तो कितने टाइप के हमारे पास है दैट इज थ्री बट कितने वेरिएंसेस पड़ रहे हैं दो एक मटेरियल वेरिएंस दूसरा कौन सा लेबर पहले मेटल वेरिएंस की बात करेंगे फॉर्मल में कुछ फर्क है कि सिर्फ नाम चेंज होता है सबसे बड़ा वेरिएंस कौन सा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस उसके दो पार्ट्स पहला मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल करेक्ट उसके बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस ये अगेन दो पार्ट्स में बटता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस मटेरियल यील्ड वेरिएंस का क्या फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है एक्चुअल क्वांटिटी इन अ स्टैंडर्ड रेशियो एक्चुअल क्वांटिटी इन अ स्टैंडर्ड रेशियो इज दैट क्लियर इज इट क्लियर एवरीवन वर्किंग नोट वाला पार्ट भी देखेंगे और सबसे मेन बजटेड और स्टैंडर्ड का डिफरेंस देखेंगे इट विल टेक टाइम अगेन राइट उसके बाद कौन सा लेबर कॉस्ट वेरियंस क्या याद रखना है लेबर मटेरियल के फॉर्मूले अगर याद कर ले तो लेबर में क्या याद रखना है दो चीज गुड क्वांटिटी विल बी रिप्लेस बाय आवर्स राइट प्राइस विल बी बाकी सब कुछ सेम करेक्ट है ना तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट उसके बाद जो मटेरियल प्राइस वेरियंस था यहाँ पे क्या आ जाएगा लेबर रेट वेरियंस वहां पे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस था यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट वहां पे एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते थे ना यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आवर्स इज दैट क्लियर लेबर एफिशिएंसी वेरियंस वहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी था यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वहां पे क्या था स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड इज दैट क्लियर एवरीवन क्या ये भी दो पार्ट में बटेगा लेबर यील्ड वेरियंस और लेबर मिक्स वेरियंस लेबर यील्ड वेरियंस का फॉर्मूला क्या स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट और ये जो आप लोगों को इतने सारे फॉर्मूले फटाफट याद होने का रीजन है कि आपने खुद से सॉल्व किया ना वो बाकी का पार्ट इज दैट क्लियर कोई डाउट है अब वर्किंग नोट का फॉर्मेट स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट अगर समझो मटेरियल है ए बी सी क्या सवाल का स्टैंडर्ड रेट हमारा स्टैंडर्ड रेट होता है क्या सवाल का एक्चुअल क्वांटिटी हमारा क्या सवाल का एक्चुअल रेट हमारा एक्चुअल रेट होता है क्या सवाल का अमाउंट अगर दिया है तो हमारा अमाउंट होता है या फिर क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अमाउंट किस कॉलम पे मेहनत लगती है किस पे मेहनत लगती है इसलिए क्या एक बार स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गया स्टैंडर्ड रेट तो हमेशा सवाल के उठाते ना हम लोग तो क्या अमाउंट भी आराम से मिल जाएगा तो मेहनत टोटल कॉलम्स कितने छह मेहनत किस पे किस पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोल लो या स्टैंडर्ड आवर्स लॉजिक क्या है सेम स्टैंडर्ड क्वांटिटी का स्टैंडर्ड आवर्स का लॉजिक क्या है सेम
इज दैट क्लियर? और बीच में कॉलम बन के आता है आर एस क्यू, क्या बन के आता है? ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला जाता है कि एक्चुअल क्वांटिटी क्या किया जाता है, टोटल क्या किया जाता है, और इस टोटल को किस रेशियो में बांट देते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके रेशियो में बांट देते हैं, क्योंकि ये कॉलम भी आराम से निकल जाता है ना। बट इस कॉलम को निकालने की खासियत होती है कि अगर सिंगल मटर ले तो ये कॉलम निकलेगा क्या? कम से कम कितने मटर चाहिए? दो, या कितने लेबर चाहिए? दो या दो से ज्यादा, तभी तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी या रिवाइज स्टैंडर्ड आस निकल पाएगा ना। तो उसका डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इन अ स्टैंडर्ड रेशियो। इन अ स्टैंडर्ड रेशियो कब निकलता है? जब कम से कम कितनी चीजें हो? दो। और मेरे अकेले की इनकम का रेशो निकल सकता है क्या? मेरी इनकम का और इसकी इनकम का रेशो निकल सकता है ना। रेशो निकालने के लिए कम से कम कितनी चीजें चाहिए? दो। तो आर एस क्यू या आर रिवाइज स्टैंडर्ड आस या रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कब निकल सकता है? जब कम से कम कितने मटन हो? दो या दो से ज्यादा। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब मेन मुद्दे पे आते हैं, सबसे खतरनाक कॉलम कौन सा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या बाकी सब कुछ जो गिवन होता है एज इट इज निकालते हैं? और आर एस क्यू निकालना क्या सिंपल बेसिक मैथ्स है ना एकदम? तो मेहनत किस में लगती है? सिर्फ स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेहनत किस में लगती है? इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा? सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा? एक्चुअल आउटपुट। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा? क्या सवाल का स्टैंडर्ड प्राइस हमारा स्टैंडर्ड प्राइस होता है? अरे सवाल का करेक्ट बोल रहे हो, सवाल का स्टैंडर्ड प्राइस क्या हमारा स्टैंडर्ड प्राइस होता है? क्या सवाल का एक्चुअल क्वांटिटी हमारा एक्चुअल क्वांटिटी होता है? क्या सवाल का एक्चुअल प्राइस हमारा एक्चुअल प्राइस होता है? बट क्या सवाल का स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है कि नहीं? उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? बजटेड क्वांटिटी। क्या बोला जाता है? फिर से, सवाल का स्टैंडर्ड होता है कि बजटेड होता है? हमको उसको किसमें कन्वर्ट करना होता है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा? क्या तीनों बातें समझ में आई? फिर से, सवाल का स्टैंडर्ड होता है कि बजटेड होता है? हमको चाहिए क्या होता है? स्टैंडर्ड। तो सवाल का बजटेड हम लोग स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल आउटपुट, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इज दैट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? श्योर? बड़े आगे। अब अगर सवाल में एक्चुअल आउटपुट गिवन नहीं है, जिसको हम लोग केस जीरो नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं? केस जीरो। अगर सवाल में क्या गिवन नहीं है तो क्या शंकर भगवान का प्रसाद है? तो सवाल का स्टैंडर्ड ही हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा ना। ये कन्वर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा? अगर वही गिवन नहीं है तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो कैसे सवाल का स्टैंडर्ड है वही हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा कि नहीं होगा? पर वैसे सवाल आना बहुत रेयर है, क्योंकि पूरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप पढ़ के बैठे हो। क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना एक ही तो काम है, और वो भी इंस्टीट्यूट खुद ही दे देगी, तो करोगे क्या? सिर्फ कैलकुलेटर थोड़ी चलाने के मार्क्स देगी वो, समझना दिमाग भी चलाना है सर, यही तो दिक्कत है सर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसकी मदद से निकलता है? एक्चुअल। केस जीरो हमने क्या अज्यूम कर लिया? अगर एक्चुअल आउटपुट गिवन तो क्या सवाल का स्टैंडर्ड ही हमारा स्टैंडर्ड है? अब अगर एक्चुअल आउटपुट गिवन है तो कितने केसेस? दो। कितने केसेस? दो। पहला क्या? केस वन, क्या बजेटेड आउटपुट दिया रहेगा? बजेटेड क्वांटिटी दी जाएगी। मतलब क्या सर? 70 फिनिश गुड्स बनाने के लिए 100 केजी मटेरियल लगता है, ऐसा सवाल किया ना हम लोगों ने? 70। एक फिनिश गुड्स का इन्फॉर्मेशन दिया था कि 70 का दिया था? अच्छा, 70 का ही केस वन रहेगा कि 100 का दिया रहेगा तो भी केस वन रहेगा? 10 का दिया रहेगा तो भी? एक फिनिश गुड्स का नहीं दिया है मतलब वो किस में जाएगा? और एक फिनिश गुड्स का नहीं दिया मतलब? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एक्चुअल आउटपुट 210,000 है। एक्चुअल आउटपुट कितना है? तो हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालेंगे भाई केस वन की? जल्दी बोलो, 70 के लिए कितना? 100। तो 210,000 के लिए केस वन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 70 फिनिश गुड्स के लिए 100 केजी, तो 210,000 के लिए कितना? 70 फिनिश गुड्स के लिए कितना रॉ मटेरियल? जल्दी बोलो, 100 केजी, तो 210,000 के लिए कितना? तो क्या 300,000 आ जाएगी कि नहीं? क्या ये आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? जल्दी बोलो बच्चों, 300,000। कितनी आ जाएगी? क्या ये स्टैंडर्ड में जो ये वाला कॉलम रहेगा यहाँ पे 300,000 लिखोगे ना फिर? इज दैट क्लियर? क्या ये 70 फिनिश गुड्स है इसके लिए केस वन आया कि अदर देन वन फिनिश गुड्स कोई भी इन्फॉर्मेशन होती तो केस वन में आ जाता हो? क्या कभी कभी 10 की भी दी होती है, कभी कभी 20 की भी दी हो सकती है,
कभी कभी हजार की भी नहीं हो सकती है ना। अगर एक से ज्यादा फिनिश गुड्स के लिए कितना रॉ मेटेरियल दिया है ये अगर बोला है तो कौन सा आ जाएगा केस वन। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं केस वन को, इसके लिए इतना तो एक्चुअल आउटपुट के लिए। इज दैट क्लियर एवरी वन? अब क्या दूसरा केस टू के आगे शंकर भगवान का प्रसाद होता है वो। केस टू, एक फिनिश गुड्स के लिए 2 kg रॉ मेटेरियल लगता है, क्या बोल दिया उन्होंने? ये डेटा एक से ज्यादा फिनिश गुड्स का दिया है कि एक ही फिनिश गुड्स का दिया है? अच्छा केजी दे सकते हैं कि आज भी दे सकते हैं? लास्ट सवाल जो हम लोग ने किया आज का था कि नहीं था? एक फिनिश गुड्स के लिए कितना केजी, जल्दी बोलो, 2 kg। कितना एक्चुअल आउटपुट है? तो क्या सिंपली 210,000 इनटू क्या कर दूंगा मैं 2 kg, तो कितना हो जाएगा 420,000। तो क्या केस टू में कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना है कि सिंपली एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करना है? सिंपली एक्चुअल आउटपुट से क्या करना है? तीनों केसेस क्लियर है, केस जीरो, केस वन और केस टू। इज दैट क्लियर? अब मैं जो जो बोलूंगा समझ में आ रहा है कि ध्यान से सुनना। केस जीरो अगर है मतलब क्या एक्चुअल आउटपुट गिवन नहीं, पूरा फ्लो में बोलूंगा आप लोग उसमें बोलो डोंट वरी। केस जीरो क्या है? एक्चुअल आउटपुट गिवन नहीं है, तो क्या सवाल का स्टैंडर्ड ही हमारा स्टैंडर्ड है? क्या सवाल का स्टैंडर्ड ही हमारा स्टैंडर्ड है? केस वन में क्या होता है, एक फिनिश गुड्स की इंफॉर्मेशन दी होती कि एक से ज्यादा, एक से ज्यादा उतनी फिनिश गुड्स के लिए उतना रॉ मटेरियल, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं? केस टू में क्या एक फिनिश गुड्स के लिए कितना मटेरियल दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है? क्या एक्चुअल आउटपुट से सिंपली क्या कर देंगे मल्टीप्लाई? अच्छा दोनों केसेस में क्या एक्चुअल आउटपुट लगेगा मतलब? इज दैट क्लियर? क्या तीनों केसेस 100% क्लियर है? अगर आपके मॉड्यूल के और बुक के सवाल आप देखोगे तो क्या सबसे ज्यादा सवाल किसके हैं? केस टू के। इसके है क्या केस वन के सिर्फ 2 सवाल है? टोटल कितने सवाल है? 2। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस किसके हैं? तो क्या सिंपली एक्चुअल आउटपुट से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई? ये वाला पॉइंट समझा कि नहीं, जल्दी बोलो। एक्चुअल आउटपुट को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है ना। क्या बजटेड और स्टैंडर्ड का फर्क समझ में आ गया? इज दैट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? पक्का? क्या आपको फॉर्मूले भी बता दिए, वर्किंग नोट का प्रोफॉर्मा भी बता दिया और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है वो भी बता दिया। लास्ट चीज दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स। क्या लेबर के आवर्स निकालने का और एक तरीका है? लेबर के स्टैंडर्ड आवर्स निकालने का और एक तरीका, जब गैंग डी होती है, स्किल्ड अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड, या मेल फीमेल बॉयज, जैसे करके सवाल में थोड़े बहुत बदलाव आता रहता है, तो उस केस में क्या 2 बार स्टैंडर्ड लिखा होता है सवाल में? कितनी बार स्टैंडर्ड लिखा होता है? एक इंडिविजुअली और एक टोटल। स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस 1800 घंटे, याद है कि नहीं? याद है। कितनी बार स्टैंडर्ड लिखा होता है? 2 बार, एक इंडिविजुअली, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स, स्किल्ड इतने, सेमी स्किल्ड इतने और अनस्किल्ड इतने, नीचे क्या लिखा होता है? स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस 1800, याद है कि नहीं? याद है। 2-3 सवाल करवाया मैंने आपको ऐसे, फिर से कितनी बार स्टैंडर्ड लिखा होगा? 2 बार, एक बार इंडिविजुअली, एक बार टोटल में, एक बार इंडिविजुअली, एक बार टोटल में। तो क्या जो इंडिविजुअली स्टैंडर्ड लिखा है क्या वो स्टैंडर्ड है कि बजेटेड है? और जो टोटल में स्टैंडर्ड लिखा है क्या वो एक्चुअल में स्टैंडर्ड ही है? बट हमको क्या चाहिए? इंडिविजुअली स्टैंडर्ड। हमको क्या चाहिए? तो इंडिविजुअली स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। वो कैसे करते हैं याद दिला दो मैं वापिस एक बार। जो इंडिविजुअली दिए है 10, 12, 8 स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, स्टैंडर्ड लिख के दिए है, ये स्टैंडर्ड है कि बजेटेड है? अगर वीकली काम 40 घंटे होता है, वीकली काम कितने घंटे होता है? 40। और लिखा है स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड 1800, ये बराबर क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स। ये टोटल में जो दिया है वो बजेटेड है कि स्टैंडर्ड ही है? पर ये जो इंडिविजुअली दिया है वो स्टैंडर्ड है कि बजेटेड है? तो इंडिविजुअली क्या दिया है? बजेटेड। टोटल में क्या दिया है? स्टैंडर्ड। पर मुझे इंडिविजुअली क्या चाहिए? स्टैंडर्ड। और मुझे इंडिविजुअली क्या चाहिए? फिर से ये जो दिया है बजेटेड इंडिविजुअली, जो दिया है स्टैंडर्ड टोटल में, पर मुझे क्या चाहिए? इंडिविजुअल स्टैंडर्ड। इंडिविजुअल बजेटेड दिया है, स्टैंडर्ड टोटल में दिया है, पर मुझे चाहिए क्या? इंडिविजुअल स्टैंडर्ड मुझे चाहिए क्या? तो क्या इंडिविजुअल बजेटेड और टोटल स्टैंडर्ड की मदद से मैं क्या करूंगा? इंडिविजुअल स्टैंडर्ड निकालूंगा। कैसे? पहले बजेटेड आवर्स निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे बच्चों? स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। कितने कितने वर्कर्स थे? 10, 12, 8 into कितने घंटे कर दूंगा? 40, 40, 40। तो कितना हो जाएगा? 400, 480 और 320।
ओके 1200 हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा 1200, बट टोटल स्टैंडर्ड कितना है 1800, टोटल स्टैंडर्ड कितना है ओके इसके लिए इतना, तो इसके लिए कितना, ऐसे तीनों का निकल जाएगा कि निकल जाएगा क्या, दिस विल बी स्टैंडर्ड आवर्स, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी व्हाट, कुछ स्टूडेंट ने यहीं पे गलती की थी, ये क्लियर है कि नहीं, तो क्या इंडिविजुअल स्टैंडर्ड मिल गया वो यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं, एज इट इज, इज दैट क्लियर एवरीवन। एक लास्ट बात याद रखना, क्या स्टैंडर्ड और एक्चुअल की वर्किंग नोट में टोटल कितने कॉलम्स, 6, आरएसपी को फिलहाल साइन में रखो, कितने कॉलम, क्या सवाल का स्टैंडर्ड रेट ही हमारा स्टैंडर्ड रेट होता है, सवाल की एक्चुअल क्वांटिटी ही हमारी एक्चुअल क्वांटिटी होती है, सवाल का एक्चुअल रेट ही हमारा एक्चुअल रेट होता है, सिर्फ सवाल का स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड, क्या वो सवाल का स्टैंडर्ड हमारा बजटेड होता है, तो बजटेड को किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है स्टैंडर्ड में, बट उसके लिए कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, एक्चुअल आउटपुट, अगर वो नहीं दिया हो तो सवाल का स्टैंडर्ड ही हमारा स्टैंडर्ड हो जाता है, और अगर समझो एक्चुअल आउटपुट दिया है तो क्या केस आइडेंटिफाई करना है, केस वन या केस टू, अगर केस वन है तो क्या एक फिनिश गुड से ज्यादा की इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसके लिए इतना रॉ मटेरियल लगता है, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पर अगर एक फिनिश गुड्स के लिए इतना रॉ मटेरियल लगता है, ये वाला केस टू दिया हो तो क्या सिंपली हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई। Is that clear everyone? Any doubt? No. क्या इतना हम लोगों ने कुल मिला के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ा? Is that clear? Yes, sir. Bye bye.